फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको मैथ का बहुत ही मेन पॉइंट सिखाने वाली हूँ, जिससे मैथ स्टार्टिंग होती है, जो आपको फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही पढ़ने को मिलता है। तो अगर आप ये जान लेंगे, मैथ के सारे पॉइंट्स जान लेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्क्रिप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम लोग यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में जो हमारे टाइप्स होते हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्या। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रल्स नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर। हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो आपको पता होगा वो संख्या जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल होता है हमारा 1, 2, 3, ... ऐसे नंबर जिन्हें हम आसानी से काउंटिंग कर सकते हैं, वही हमारी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर किसे कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में जब हम शून्य जोड़ देते हैं, जीरो जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारा 0, 1, 2, 3... इन्फिनाइट तक, मतलब अनंत तक। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्याएं। तो वही हमारा जो नेचुरल नंबर और होल नंबर होता है, उसी में हमारा जो पार्ट्स पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, वो हमारा होता है इंटीग्रल्स नंबर। जैसे कि एग्जांपल होता है हमारा 0, 0 के इस साइड हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, पूरा अनंत तक, मतलब पूरा इन्फिनाइट तक। और इस साइड हमारा क्या होता है, निगेटिव नंबर होता है, पूरा इन्फिनाइट तक। तो हमारे वही नंबर जो 0 के साथ पॉजिटिव और निगेटिव में जुड़ते हैं, वो हमारे इंटीग्रल्स नंबर होते हैं। अब हमारा सम संख्या क्या होता है। सम संख्या तो आपको बेसिकली चीज़ है, ये आपको बहुत ही आसान से पता होगा, सम संख्या का यूज हर जगह होता है, लेकिन फिर भी आज हम आपको बताएंगे कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो होता है जो 2 के टेबल से आसानी से कैंसिल हो जाए, वो हमारा सम संख्या होता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल होता है 2, 4, 6... विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या वो होता है ऑड नंबर जो 2 के टेबल से कैंसिल नहीं होता है। जैसे कि हमारा होता है 3, 7, 9, 11, ऐसे ... करके, ये भी होता है हमारा इन्फिनाइट तक। तो ये था आज का हमारा बेसिक मेन पॉइंट मैथ का, जिसे आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है, और यहाँ मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दी हूँ। अगर आपको इसकी डिफिनेशन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। संख्या पद्धति के ये मेन पॉइंट्स अगर आप जान लेंगे, तो आप मैथ में एकदम टॉपर रहेंगे। तो ये आपको फिफ्थ फिफ्थ क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ लीजिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है, उन दोस्तों में अपना वीडियो मेरा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।